हेलो, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार आप सभी को। तो ये देखिए, दही बड़ा है, पितृमोक्ष अमावस्या से लेकर पितृमोक्ष अमावस्या तक ये चलता है प्रतिपदा से। तो हम आज पितरों के भोजन के लिए दही बड़ा, पूड़ी, बबरा और विभिन्न प्रकार के बनाए हैं ताकि ये सबको प्रसाद के रूप में मिल सके। देखिए, भोजन की थाली बिल्कुल सात्विक भोजन है ये। तो हमारे चैनल को लास्ट तक ज़रूर देखिए और सारी रेसिपी हम अपने लॉन्ग वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं, तो प्लीज़ जाकर वहाँ भी ज़रूर देखिए। तो ये बड़ा है उड़द दाल का, ये परवर आलू की सब्जी है, पूड़ी है और बबरा है, पापड़ है। तो ये भगवान को भोग लगाने के साथ ही पितरों को तर्पण के साथ ये भोजन दिया जाता है। तो आप सभी को तो मालूम होगा ही, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है दही बड़ा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और हम दही बड़े की रेसिपी भी डाल चुके हैं, तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगी ये ब्लॉग हमारी। तो आप सभी का धन्यवाद जो आप लास्ट तक भी देखते हैं, और हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए। देखिए, हमारे यहाँ पितृदेव को जल देते हुए ये बड़ा है उड़द दाल का, एकदम सिंपल बड़ा है क्योंकि सात्विक बनाया गया है। किसी भी प्रकार का दूसरा इस दाल में नहीं डाला गया, एकदम सात्विक भोजन है। देखिए, ये आधा किलो उड़द है, उसको 3 घंटा 2 घंटा पहले ही भिगा के रखी थी मैं। धुला हुआ उड़द का दाल है, उसको अच्छी तरीके से पीट के पीस कर थोड़ी सी नमक डालकर तेल गर्म होने पर बनाना है। 4-5 पहले भोग के लिए बनाई हूँ क्योंकि अग्नि में आहुति देना रहता है। ये देखिए, बस थोड़ी सी नमक डालना है, पहले बिना नमक वाला बना चुकी हूँ। तो अभी पितृपक्ष चल रहा है और ऐसे में एकदम घर में अभी 15 दिनों तक सात्विक भोजन ही बनता है बिना लहसुन प्याज। तो अच्छी तरीके से फेंट लेना चाहिए उड़द दाल का पीठी को। देखिए, उसके बाद फिर बनाना है। हमारे शॉर्ट वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, इसके पहले भी हम बता चुके हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये पितृपक्ष चल रहा है, ये प्रतिपदा से लेकर पितृमोक्ष अमावस्या तक चलेगा। इस तरह से गोला कर लीजिए, लोई बना के, और फिर उसको थोड़ा सा पानी लगा के फिर इस तरह से करके गरम तेल में डालना है। पहले अच्छी तरीक़े से गरम, फिर मीडियम आंच में बनाते जाना। देखिए किस तरह से बड़ा एकदम से फूल चुका है और क्रिस्पी भी रहता है। तो दही बड़ा भी बनाऊंगी और इस तरह से सादा बड़ा तो बना ही है। देखिए बड़ा कितना अच्छा दिख रहा है। तो दही बड़ा कैसे बनाना आसान है, ये देखिए बड़ा बनकर तैयार है दही बड़ा के लिए। तो ये पानी है, उसमें थोड़ा सा भिगा दीजिए 3-4 मिनट के लिए ताकि उसका तेल निकल जाए। दही में
दही को मत कर और उसमें डाल दी हूँ। देखिए हम लोग आज पितृपक्ष है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और देखिए हमारा दही बड़ा तैयार है, दिखने में ही सुंदर नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप इस तरह से मीठी इमली मिक्सचर डालकर खा सकते हैं। देखिए ढेर सारा दही बड़ा है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। आज पूरे दिन व्यस्तता थी ये सब तैयारियों में, अभी 15 दिन तक ऐसे ही रहेगा। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो बहुत आसान रेसिपी है, इसकी पूरी वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं। तो ये पितृपक्ष के कारण ये स्पेशल तौर से बना हुआ है जो एकदम सात्विक है। बस आँच मीडियम रखना है और पीठी है उड़द दाल का, उसको अच्छे तरीके से फेंटना है। आप जितना ज़्यादा फेंटेंगे उसका उतना ज़्यादा फूला फूला और मुलायम बनेगा दही बड़ा, और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब ये देखिए बबरा है, और बबरा के बारे में भी हम बता चुके हैं, ये गुड़ से बना हुआ है इसका घोल, और घोल कैसे रखना है तो हमारे पूरी जानकारी हम अपने वीडियो में डाले हैं, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। ये बबरा है तो पितृपक्ष में उड़द का दाल का बड़ा, और ये गुड़ आटे से बना हुआ, गुड़ आटा चावल आटा मिक्स बबरा भी बनाते हैं और पूड़ी भी। देखिए ये हम बबरा बनाते जा रहे हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा करके बनाते जाइए एक एक चम्मच की सहायता से। देखिए कितना फूला फूला बन रहा है। बस 1 घंटा पहले ही भिगा के रखना है। गुड़ को पानी में घोल कर उसको छान लीजिए, फिर 1 कटोरी डाल देना है, आप जितना क्वांटिटी रखना चाहते हैं। देखिए ये पूरी तैयार है, दही बड़ा एकदम रेडी है। थैंक यू सो मच आप सभी को।